क्यों परेशान हो बेटा? जी भाई क्या मसला? एक मिनट भाई, एक मिनट। मुझे मारा है इन्होंने। अच्छा, एक मिनट यार बशीरे, आज कोई बकरा हाथ नहीं लगा यार। हाँ ना सर जी, अभी तक कोई बकरा ही नहीं आया यार, पता नहीं कब आएगा। हेलो, इंस्पेक्टर मजीदा किधर है? मैं इंस्पेक्टर मजीदा नहीं, उनका असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, वैसे तू कौन है? मैं सरेआम टीम से बात कर रहा हूँ, इकरारुल हसन। तो मैं क्या करूँ? अरे भोसड़ी के, गाली नहीं देने का, तूने मेरी कुत्ते वाली की, मैंने तेरी कर दी। तो चलो तुम मेरी बात करवा दो इंस्पेक्टर मजीद से। अच्छा सर। हाँ क्या है? ये कॉल आपकी, कौन है? सर कोई इकरारुल हसन है सरेआम वाला। ये सुतरी का क्या कहता है, मुझे दे। हेलो। हाँ भाई इकरार, क्या मसला है? मजीदे बच्चे के साथ ज्यादा का केस मिला है, तेरी प्रमोशन पक्की। तेरी प्रमोशन पक्की, जल्दी पहुंच। उशरे गणिष्ठा कर, तू पत्ता बोल, जल्दी बोल, जल्दी कर, जल्दी कर, तू पत्ता बोल, जल्दी कर बे तू। एक तो सरकार ने भी खटारा भर दिया, हट पकड़िए। लोकेशन देखिए सर जी, वो पार खड़े हैं, वो पार है। लाओ किसी, आप जाएं, आप जाएं। अरे साले, हाँ भाई क्या मसला है, क्या मसला है, क्या हुआ है? इस बंदे ने इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ बच्चे, इस बंदे ने इस बच्चे को मारा है। हाँ भाई, तूने मारा इसे? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। अरे बहन के टके। हेलो, कौन सी मस्जिद से? चल मैं बंदा भेजता हूँ। ये लोकेशन भेजी है, मस्जिद से जूती चोरी है, वहां पर जा, लोकेशन इसमें, जल्दी पहुंच। ठीक है सर। जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच। हाँ तुम्हें क्या बात कर रहा था? आओ। अरे धन के टके, मेरा नाम है इंस्पेक्टर मजीदा, खड़ी करता हूँ सबकी खटिया, इतना मारूंगा कि तशरीफ के, तशरीफ रखने के काबिल नहीं रहेगा तू। हाँ मैंने मारा तो क्या हो गया? वो आगे से बदमाशी बेटा, इस हवाले से मैंने मायरे कानून से बात की है, उसने ऐसे खोतों के लिए ऐसी ऐसी सजाएं बताई है ना कि ना पूछ। वो सजाएं तू भी सुन और आप लोग भी सुनो। सबसे पहले तो मैं सरेआम की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो ऐसी चबलें मारती रहती है, और खास तौर पर जो बच्चों के मसाइल हैं वो बहुत जरूरी, वो फैक्टर है जो हमारे माशरे का वॉइसलेस फैक्टर। जैसा कि बच्चों का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चा, स्टूडेंट बच्चा एक 6 से 8 मजमून पढ़ता है, हालांकि 6 से 8 मजमून उस्ताद नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चे को पढ़ना पड़ता है, ये ज्यादती है। इस मसाइल के लिए अवाम को आवाज उठानी चाहिए। अब हमारी वीडियो लंबी हो रही है, अब हम बात करने जाएंगे ऐसे जराइम की सजाओं के बारे में। तो इस केस में अगर बच्चे को जबरदस्ती कैद किया गया है या बच्चे को नजरबंद किया गया है, इस मुजरिम को पहले फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद पानी की टंकी में उम्र कैद की सजा, और इसके बाद अगर बच्चे के किसी वाइटल पार्ट के ऊपर कोई निशान है तो ऐसे मुजरिम को सबसे पहले छत के साथ उल्टा लटकाया जाएगा, उसके बाद उसको एक प्लेट बिरयानी और एक स्ट्रिंग पिलाई जाएगी। तो आज के लिए अपने इस मायरे कानून को इजाजत दीजिए, और सरेआम की टीम को चाहिए कि वो ऐसी मजीद चवलें मारती रहे। मैं मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज। हाँ तो सुन ली ना सजाएं? हाँ सुन ली। ओह नो। चल भाई इकरार, शुरू जा सवाल करना। जी हाँ, तो मुझे बताएं आपने इस लड़के को क्यों कुटा? देखें आप मेरी गल सुने। जी सुनाएं। ये बाजार जाता है, वहाँ जाके पुठे से काम करता है, तो इसलिए इसको कुट पड़ती है। हाँ तो मुझे बताएं ये क्या बाजार में जाके पुठे सीधे काम करते हैं? ये कल बाजार गया था। तो क्या बाजार बच्चे जाते रहते हैं? ये इकरार सुतरी के, पहले उसको बात पूरी करने दे, फिर अपनी यूं यूं कर समझाना। अच्छा सॉरी, चल कंटिन्यू कर। जी ये कल बाजार गया, वहां पर इसने जाके एक बच्चे को पेंसिल मारी। तो क्या बेटा ऐसे हुए? जी इकरार चाचू। उल्लू के पट्टे में तुझे किस एंगल से चाचू लगता हूँ? देखा देखा इसकी यही हरकतें, इसकी वजह से इसको मैं मारा फिर भी नहीं, डांटा इसकी यही हरकतें। इकरार इकरार, बच्चे मन के सच्चे, वो ठीक कह रहे। वैसे भी तुझे लड़की तो कोई देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? इकरार वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर अब अगर तू बीच में बोला ना
तो मैं तुझे मार मार के जेबरा बना दूंगा। किधर भाग रहा है बे? चल चल भाग, किधर रहा है? इज्जत ही नहीं है एंकर की। तो बेटा आगे क्या हुआ था? मैंने उसके कमर में सिर्फ पेंसिल मारी, उसके पेट से निकल गई। ये पेंसिल है? ये तो फॉर एग्जांपल वो पेंसिल थी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? वो अभी आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो पेंसिल कहाँ पे मारी थी? उसकी कमर में मारी, पेट से निकल गई। देखा इसका काम, इसीलिए मैंने इसको मारा है। तो थोड़ी सी पेंसिल ही तो मारी है, और कौन सा बड़ा काम कर दिया है? थोड़ा सा तो आईसीयू में ही गया है वो। इधर आओ बेटा, खाना शाना टाइम पे मिलता है? जी खाना शाना टाइम पे मिल जाता है, अगर ना मिलो मैं छीन के खा लेता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात। कल इन्होंने मुझे तार से मारा है। क्यों मारा है भाई तुमने इसको तार से? कल इसने मेरे छोटे बच्चों को छत से गिरा दिया है। सच्ची? हाँ, वो मुझे कह रहा था जिंदगी में सुकून नहीं है। मुझे फिर वो इमरान खान वाली बात याद आ गई, सुकून तो कब्र में। मैंने उठा के नीचे फेंक दिया उसको, अभी वो सुकून कर रहा है कब्र में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। अच्छा ये बताओ, घर में बादशाहत होती है? घर में क्या कार करे, क्या कहूँ मैं? बताओ ना उनको कि मुझे ये रोजाना कुट पड़ती है। वो लोग खुद मुझे तंग है, उन लोगों ने खुद छोड़ा है इनके पास मुझे। ये क्या लगता है तुम्हारा? ये उस्ताद है मेरे। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? पहले कब बताता? तुम आते साथ ये चमचा सा उठा के ले आए, इंटरव्यू चालू कर दिया। अब मैं जरा इंस्पेक्टर साहब का तो हिसाब किताब कर लूं ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जी हाँ नाजरीन, इंस्पेक्टर मुजीदे और इकरार हसन का जनाजा कल 3 बजे गटर वाली पिछली गली पे अदा किया जाएगा।